ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। आज की डेट में ये जेल एक हेरिटेज साइट है और टूरिस्ट इसे देखने बहुत दूर दूर से आते हैं। इन्हीं में से एक था तरुण, जो अपनी फोटोग्राफी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने सेल्यूलर जेल गया। इस जेल में हमारे देश की आजादी के दौरान क्या क्या हुआ था हम सोच भी नहीं सकते। तरुण ने वहां जाते के साथ ही एक गाइड को अपने साथ ले लिया ताकि उसे जेल घूमने में कोई दिक्कत ना हो और कोई भी इंफॉर्मेशन वो मिस आउट ना करे। सबसे पहले गाइड ने उसे हैंगिंग रूम दिखाया जहां कैदियों को फांसी की सजा दी जाती थी। पूरे जेल के कंपैरिजन में यह जगह काफी ठंडी थी। तरुण ने वहां बहुत सारी फोटोग्राफ्स क्लिक करी और उसके बाद वहां से निकल ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई। पीछे पलटा तो उसे हवा में उड़ती हुई जरा सी धूल दिखाई दी। इसके बाद गाइड तरुण को ले गया टॉर्चर रूम, जहां उस जमाने के टॉर्चर को आज के लोगों को समझाने के लिए पुतले रखे हुए थे। तरुण को इस कमरे में सड़ी हुई महक आ रही थी, इसलिए उसने तुरंत पिक्चर्स क्लिक करी और गाइड से पूछा कि ये महक कैसी है। गाइड ने कहा, पता नहीं सर, चलिए इस कमरे से बाहर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने कमरे से बाहर कदम रखा, तरुण ने एक आवाज सुनी जो गाइड को सुनाई ही नहीं दी। टॉर्चर रूम के बाद गाइड ने उसे सेल्यूलर जेल का ग्राउंड दिखाया। चिलचिलाती धूप में यह खाली मैदान रेगिस्तान जैसा बेजान लग रहा था और इसी सूखे हुए मैदान से तरुण को एक आवाज सुनाई दी जो इस बार गाइड ने भी सुनी। यह आवाज ऐसी थी मानो कई लोगों को बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया हो और वो मैदान में काम कर रहे हो। इस बार गाइड ने तरुण से कहा, सर जिन आवाजों को हमेशा के लिए इस जेल ने दबा दिया वो कभी तो खुलकर सामने आएंगी ही ना। तरुण उसकी बात कुछ समझ नहीं पाया। सवाल पूछने के लिए उसने अपना मुंह खोला कि गाइड ने कहा, चलिए आपको कैदियों के कमरे में ले चलता हूं। ये कैदियों का कमरा एक काल कोठरी थी जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और रोशनी और सांस लेने के लिए इस काल कोठरी की छत पर एक छोटा सा छेद बना हुआ था। यह कमरा भी फांसी वाले कमरे की तरह ठंडा था और यहां भी सुनाई दे रही थी एक आवाज जैसे कोई दीवार को खुरच रहा हो। तरुण ने फ्लैश ऑन करके इस कमरे में भी फोटोग्राफ्स खींची और एक आखिरी तस्वीर के रूप में उसने उस गाइड के साथ अपनी एक सेल्फी खींची। होटल आकर तरुण फ्रेश हुआ और डिनर करके उसने कैमरे के एसडी कार्ड से सारी फोटोग्राफ्स अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करी। तरुण के क्लिक किए हुए फोटोग्राफ्स एक अलग ही कहानी बयान कर रहे थे। अगली फोटोग्राफ्स थी टॉर्चर रूम की, जहां हर एक फोटो में टॉर्चर रूम में रखे हुए पुतलों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। तरुण को अपनी ही क्लिक करी हुई फोटोग्राफ्स पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने आगे देखना शुरू किया। अगली तस्वीर थी उस ग्राउंड की जो उस चिलचिलाती धूप में तो बेजान दिख रही थी, पर तस्वीरों में जमीन पर काफी लोगों की परछाइयां दिख रही थी। इन परछाइयों को देखकर लग रहा था जैसे इनके हाथ और पांव बेड़ियों से बंधे हुए हों। अगली तस्वीरें थी कालकोठरी की, जहां तरुण को दीवार पर किसी के खुरचने की आवाज सुनाई दी थी और
और इन्हीं तस्वीरों में था। उसके सवाल का जवाब दीवार पर खुरच कर जो लिखा गया था वो सिर्फ एक शब्द था, पर उसे डराने के लिए बहुत था, क्योंकि दीवार पर उसका नाम लिखा था तरुण। इन सारी तस्वीरों का संबंध तरुण इन पिक्चर्स को क्लिक करते वक्त उसकी सुनी हुई आवाजों से कर पा रहा था। कुछ आवाजें तो उस गाइड ने भी सुनी थी। जब यह ख्याल तरुण के दिमाग में आया, उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उस गाइड के साथ क्लिक की हुई सेल्फी ढूंढने लगा। तस्वीर को देखते के साथ ही तरुण के दिमाग में गाइड की कही हुई एक बात याद आ गई। सर, जिन आवाजों को हमेशा के लिए इस जेल ने दबा दिया, वो कभी तो खुलकर सामने आएंगी ही ना। तस्वीर में तरुण को अपने साथ कोई गाइड नहीं, उस गाइड की जगह एक पुराना अंग्रेज अफसर दिखाई दे रहा था। ये सब कुछ तरुण की समझ से परे था। वो अपने इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना तो चाहता था, पर उसके लिए उसे रात भर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जेल अब सुबह ही खुलेगी। इतना सब कुछ देखने के बाद तरुण की नींद उड़ गई थी, इसलिए उसने नींद की गोली ली और सोने चला गया। सुबह आंख खुली तो दोपहर के 1 बजे थे। अजीब सी जलन उसके पूरे शरीर में हो रही थी। आईने में जाकर देखा तो गर्दन, हाथ और पीठ चारों तरफ रैशेस थे और शरीर में दर्द भी था। इसका मतलब कि कल रात सपने में उसने जो टॉर्चर देखा, वो किसी और के साथ नहीं बल्कि उसी के साथ हकीकत में हुआ था। तरुण के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी था अपने साथ हुए हादसों का जवाब ढूंढना। दिन मंगलवार का था और सेलुलर जेल पहुंचते पहुंचते दोपहर के 3 बज चुके थे। जिस गाइड की तलाश उसे थी, वो इस बार उसे कहीं नजर नहीं आया। जेल का हर एक कोना उसने अच्छे से देख रखा था, इसलिए इस बार अकेला ही अंदर चला गया। सबसे पहले उसने रुख किया टॉर्चर रूम का। जो अजीब सी महक इस कमरे में कल थी, वो आज नहीं थी। कमरे में उसके साथ 4-5 लोग और भी थे। तरुण घूर घूर के सारे पुतलों को देख रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा मानो दरवाजा बंद हुआ और शुरू हुई कमरे में लोगों के दर्द से चीखने की आवाजें। उसे ऐसा लग रहा था मानो कैदियों को उसके सामने मारा जा रहा हो, उनकी आंखों में शराब डाली जा रही हो उन्हें तड़पाने के लिए। इस चीख से तरुण का ध्यान टूटा और उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है और लोग उसे घूर रहे हैं। तरुण जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर की ओर आगे बढ़ा कि उसने फिर से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। इस आवाज को सुनकर वो पलटा ही था कि उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक प्लेट पर गई, जो अपने आप सरक कर कालकोठरी के दरवाजे के नीचे से अंदर की ओर चली गई। तरुण ने तुरंत अपने मोबाइल के टॉर्च को चलाया और दरवाजे के नीचे से अंदर की ओर झांकने लगा। टॉर्च की उस रोशनी में अंदर जहां तक दीवार थी, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तरुण वहां से अपना चेहरा हटाने ही वाला था कि जेल के अंदर से दो आंखें उसे ताड़ने लगी और एक आवाज उसके कानों तक पहुंची, बाहर निकालो मुझे। ये देखने के बाद तरुण को अब अपने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं चाहिए था। वो वहां से सेलुलर जेल की एंट्रेंस की तरफ भाग ही रहा था कि उसके भागते हुए कदम एक दरवाजे के ठीक सामने रुके।
इस वक्त तरुण हैंगिंग रूम के ठीक बाहर खड़ा था और तेज हवा के साथ किसी के जमीन पर गिरने की आवाज आई। तरुण ने हिम्मत कर उस दरवाजे के अंदर कदम रखा तो अब तक आ रही आवाज गायब हो चुकी थी। तरुण ने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा वो आवाज फिर से शुरू हुई और इस बार उसने कमरे के अंदर वापस कदम रखा तो आवाजें बहुत जोर पकड़ चुकी थी। इन्हीं आवाजों के बीच एक आवाज और हुई। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के ठीक सामने कोई गिरा हो। उस जगह पर एक मिनट भी खड़ा रह पाना मुश्किल था तरुण के लिए। वो पलटा और चील की गेट की तरफ उसने भागना शुरू किया। इस बीच सारी आवाजों ने जोर पकड़ लिया था लेकिन इस बार तरुण रुका नहीं और सीधा जेल के बाहर उसके मेन गेट पर आ गया। तरुण की सांसें फूल रही थी और उसी हालत में उसकी नजर वहां के एक बोर्ड पर गई जिधर लिखा था कि ये जेल विजिटर्स के लिए सोमवार को बंद रहती है। अगर ये सच है तो कल वो इस जेल के अंदर कैसे पहुंचा था। उसने तुरंत अपना लैपटॉप ऑन किया और मंडे की सारी फोटोग्राफ्स चेक करी तो फाइल तो मौजूद थी पर सारी फाइल्स करप्ट थी। तरुण के पास अगर कुछ था तो उन सारी हादसों की यादें और उस गाइड की कही हुई एक बात, सर जिन आवाजों को हमेशा के लिए इस जेल ने दबा दिया वो कभी तो खुलकर सामने आएंगी ही ना।